subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पानी इस पर फेंक रहा था, देखिए ना सब भिगो दिया। अच्छा किया, मैंने बोला ये कोई सोने का वेला है यार। सवेरे के 8 बज गए, अभी तक लाट साहब के बच्चे की आंख नहीं खुलती है। ये कैसी नींद है तुम्हारी? सरकार, जवानी की नींद है। जवानी की नींद है? और यार हमारी भी जवानी थी, हमको तो जवानी में खटमल काटते थे। नाश्ता तैयार है, जल्दी आके हमारे साथ नाश्ता कर लेतरा। बाबूजी, ये तो आप कल का अखबार पढ़ रहे हैं। ओ, कल का हुआ तो क्या हुआ, पढ़ तो रहा हूं। तू भी कभी पढ़ता है? मैं तो रोज पढ़ता हूं। आज तक मैंने तो कोई खास खबर सुनी नहीं, कोई खास खबर है तुम्हारे पास? जी हाँ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक शख्स ने गोली मार दी, ईरान में खतरनाक दलदला, 400 आदमी तब फिर मर गए। ओ यार, तुम तो अकल के पीछे नस लेके फिरता रहता है। और ये कोई खास खबर है? खबर ये है, इसे पढ़ो। जलगांव के जंगलात का ठेका देने के लिए टेंडर मतलूब है। ये खबर है, 10 बरस से मैं इस ठेके के पीछे लगा हुआ हूँ, और जब इसको लेने की कोशिश करता हूँ राय साहब अपनी टांग अड़ा देता है और ठेका रह जाता है। कौन सा राय साहब बाबूजी? तुम नहीं जानते उसको भी। अगर इस साल में मैं आपको यह ठेका दिला दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? इनाम? ओए बाप बेटे में भी कभी इनाम होता है? बोल क्या चाहिए बताओ। एक सोनी जी मोटर गड्डी। सोनी जी मोटर गड्डी? ओए मोटर गड्डी को ये नहीं आ जाती है, वो बाहर जो फटपटी खड़ी है वो किस काम आएगी? वो फटपटी तो छकड़ा है बाबूजी। ओए कल को तो तू बोलेगा तेरा बाप भी छकड़ा है, इसको बाहर फेंक दे। कल ठीक है, गड्डी चाहिए तो ठेका आज लेकर आ। आज नहीं बाबूजी, आज मेरा एक जरूरी काम है, मैं कल चला जाऊंगा। और गड्डी लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी है बाबू। ठहरो, नाश्ता तो करके जा और यहां पर आ जा। है बाबू। छोटे सरकार, इतने बड़े ठेकेदार द्वारकानाथ के बेटे और ये छकड़ा। अरे इस छकड़े से पीछा छुड़ाने के लिए तो टेंडर भरने जा रहा हूँ। अरे
हैरी एंड हैरी द ब्यूटी एक्सपर्ट। लेसन नंबर वन, सर की मालिश फॉर लेडीज ओनली। कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए फॉर्मूला नंबर 01 का इस्तेमाल किया जाए। सर यू चीप दिस। ओह थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब है प्लीज हैव द टॉवल। थैंक यू। सो आई वाज टेलिंग यू, सबसे पहले सर के ऊपर गधी के दूध का इस्तेमाल किया जाए लाइक दिस सी। ओके। और इसके बाद कछुए के दो अंडे यू फोड़े जाए लाइक दिस। दिस इज कछुआ अंडा, डोंट वरी डबल। दिस इज कछुआ अंडा एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 01। एंड नाउ नाउ द थर्ड थिंग यू सी दिस थिंग, नाउ दिस इज मट्टी का तेल, इसको डालने से यू तड़का लग जाएगा लाइक दिस सी। एंड नाउ यू सी नाउ दिस इज क्रीम, इससे यू ठंडा हो जाता है लाइक दिस। हाउ नाइस। डोंट वरी डोंट वरी। एंड नाउ यू सी दिस इज द स्पंज, इसको यू स्पंज किया जाता है लाइक दिस। ओके विल यू हैप्पी? नो थैंक यू। हैप्पी? डोंट वरी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। And now I will give you shampoo. Shampoo. Then see now. Lovely. Lovely. Let's see. Let's see. Oh. Lovely. What is this? Oh. My hair. Your hair? Yes. Oh. My hair? Your food? ये देखिए, see the latest break. ये देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी. You will be surprised. वो हरिराम का बच्चा कहाँ है? हरिराम? Yes, I mean Mr. Harry. He's inside. Just call him. Okay. Hello, Rajesh. Hello, hello, hello. यार माफ करना, जरा देर हो गई, मैं अंदर busy था. अबे चल माफ कर दिया. लेकिन ये सब क्या ढूंढ रहे थे रखा है तूने? कभी दर्जी की दुकान, कभी हजाम की दुकान, और ये लेटेस्ट ब्यूटी एक्सपर्ट, ये सब क्या हो रहा है? ओ यार दाल रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना है, और तुम तो जानते हो आई एम एम्बिशियस बॉय। वो तो मुझे मालूम है भाई। पहले दर्जी की दुकान खोली थी, एक साहब ने पैंट का ऑर्डर दिया, मैंने गलती से हाफ पैंट बना दी, वो मेरी पैंट उतार के चले गए। अरे भाई आजकल की लड़कियां तो फैशन के लिए दीवानी हो गई हैं, दे हैव बिकम क्रेजी। लाल लिपस्टिक की बजाय सफेद लगा दो तो फैशन, लंबे बाल के बजाय छोटे कर दो तो फैशन, काले बाल को सफेद कर दो वो फैशन, सर के बाल गंजे कर दो वो भी फैशन। और अभी अभी मुझसे ताजी ताजी एक और गलती हो गई। क्या? अरे भाई अंदर एक लड़की को बजाय सर पर शैम्पू लगाने के मैंने हेयर रिमूवर लगा दिया। हेयर रिमूवर? हाँ, बाल सफा तेल, उसके सारे बाल गंजे हो गए। मेरे पास कुछ घोड़े के बाल पड़े हुए थे, मैंने लेटेस्ट फैशन का बहाना मार के उसके सर पे चिपका दिया, वो खुश हो गई, कहने लगी आई विल कम अगेन। अरे हाँ सुन यार, जंगलात का ठेका लेने के लिए मुझे बाहर जाना है, तू भी चल मेरे साथ। लो मैं चला जाऊंगा यानी मेरा धंधा फिर क्लोज्ड दो चार दिनों के लिए। नहीं यार मुझे इसी वक्त जाना है। एनीवे तुम जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई एम हैरी द ब्यूटी एक्सपर्ट। आई एम हैरी एंड हैरी, ही इज इन ए हरी। तुम जाओ। ओके बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके बाय बाय बाय। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखिए हमारी डांस कॉम्पिटिशन है, तो हमें लेटेस्ट हेयर ड्यू और कुछ मेकअप का सामान चाहिए, है आपके पास? अजी हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको फॉर्मूला नंबर 13/7.5 की बड़ी सख्त जरूरत है। फॉर्मूला नंबर 13? यस यस, इट इज द लेटेस्ट इन्वेंशन, इट इज ए ड्राई मसाज। यू मीन पाउडर मसाज? यस पाउडर मसाज, पाउडर मसाज। आप आइए, आई विल जस्ट गिव यू। आइए आइए, टेक ऑफ योर हाउस कोट। शर्माइए मत। गुड, क्या रखिए, लेट जाइए। यस ठीक से लेट जाइए, ठीक से, प्लीज, बेटर बेटर। पॉली एंड पॉली हरी आप यहाँ आओ, देखो इन पे फॉर्मूला नंबर 37/7/2 का इस्तेमाल किया जाए, समझ गई? गुड,
That's nice. ठीक है, शाबाश, ठीक से पाउडर लगाओ। कैरी ऑन कैरी ऑन, मैं अभी आता हूँ। आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते अंकल, जीते रहो जीते। कमाल है अंकल, आपने यहाँ आने की मुझे इत्तला नहीं थी। बेटा प्रोग्राम कुछ इतनी जल्दी में बना कि तुम्हें इत्तला करने का वक्त नहीं मिला। लेकिन अंकल आप इस डाक बंगले में क्यों ठहरे हुए? वो जंगल की कॉटेज भी तो आप ही की है। चलिए मेरे साथ अभी चलिए। नहीं बेटा, सुबह उठते ही टेंडर भरने के लिए जाना है। जानते हो ना अपने यहाँ एक मुंशी था द्वारका। हाँ हाँ, सुना है इस साल वो हमारे मुकाबले में टेंडर दे रहा है। अजी वो टट पुंजिया क्या मुकाबला करेगा आपका। खैर सुनाओ, कैसा काम काज चल रहा है? बस अंकल, लकड़ी की इतनी डिमांड है, 2 महीने से दम मारने की फुर्सत नहीं। ओ रियली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शीर कहाँ? पिकनिक की चंद तस्वीरें हैं उसकी। लाओ लाओ देखो। गुड वेरी गुड। कैलाश, अगले महीने शील की सालगिरह है, तुम उस दिन जरूर आना। मैं तुम दोनों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। जी जी, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। ओह भाई साहब जी, चाय लाने में और कितनी देर लगेगी? ठेकेदार साहब को चाय दे हूं, फिर आपकी लाता हूं। गोरी मार ठेकेदार साहब। भाई साहब बोलिए साहब, चल गांव के ठेकेदार राय साहब रघु प्रसाद हैं। चाय बनाओ। अरे क्या करता है, देखता नहीं? दिखता तो बहुत है सरकार, लेकिन जरा टेढ़ा। तुम छोड़ दो, हम बना लेंगे। बहुत बेहतर सरकार। देखो बच्चों को सैर के लिए जाना है, यहाँ घोड़ों का इंतजाम हो सकता है? हाँ हजूर, अभी भिजवा देता। ऑल राइट। चलिए पहले आपके लिए चाय ले आऊं। उनको घोड़े चाहिए? हाँ साहेब, ये लो। सुनो, सलाम साहब। सलाम, कौन हो तुम? इस हकीर फकीर नाचिस कमतरीन को गाइड कहते हैं। ओ गाइड। गाइड उर्फ घोड़े वाला। घोड़े वाला? जी हाँ। लेकिन शक्ल सूरत से तुम घोड़े वाले नहीं दिखते। साहब ये मेरा खानदानी पेशा है। ओ मैं जरा कॉलेज में पढ़ता हूँ और छुट्टियों के दिनों में ये काम करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, मैं ऐसे नौजवानों को पसंद करता हूँ। थैंक यू सर, आप जैसे कदरदान मेहरबान कहाँ मिलते हैं। देखिए ना, पिछले दिनों एक ठेकेदार साहब आए थे, देखने में लंबे तड़ंगे, सीना इतना चौड़ा, लेकिन दिल इतना सा, इतना कंजूस क्या बताऊं साहब। सुबह से शाम तक घुमाया और सिर्फ 1.5 रुपए इनाम पाया, और कहते थे मैं जंगलात का ठेका लेने आया। जी हाँ। क्या नाम था उसका? नाम आदमी तो वहां पापी लगता था, लेकिन नाम कुछ तीर्थ के ऊपर रखा था। नाम केदारनाथ? नहीं नहीं नहीं, बद्रीनाथ? नहीं नहीं नहीं, वो भी द्वारकानाथ। हाँ द्वारकानाथ। क्या खा के ठेका लेगा वो? अरे साहब वो तो कहता था ये ठेका हर साल मेरा एक दुश्मन ले जाता है, जो देखने में सिर्फ बेवकूफ नहीं महा बेवकूफ। शट अप। जी ये मैंने नहीं, उसने कहा था। उसने कहा था, देखता हूं कैसे ठेका लेता है। अब की मैं टेंडर के वो रेट भरता हूं कि 7 जन्म कोशिश करे तो भी ठेका नहीं मिलेगा। नमक हराम कहीं का। तुम क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। अरे तुम अभी तक यहीं हो? अभी लाया साहब। ए भाई साहब ये लो, 2 घोड़ों का बंदोबस्त करके जल्दी वहां लो। सुनो, एक सीधा साधा और एक महा बदमाश। बहुत अच्छा साहब। ए इनमें से बदमाश कौन सा है? ये सफेद वाला बदमाश है साहब, बड़ा सख्त बदमाश, देखता भी मेरी तरह टेढ़ा ही है। मैम साहब ये सफेद वाला घोड़ा आपका है, तुम इस पे बैठ जाओ, मैं उसको राइड करूं। मैं नहीं मैम साहब, ये बहुत खूबसूरत घोड़ा है, आप इस पर बैठ जाइए। मैम साहब मैम साहब। कम ऑन।
छोड़ दो, छोड़ दो। बाबूजी, इस घोड़े पे चढ़ने से पहले पहले भगवान से प्रार्थना कर लेना हाथ जोड़ के। हाँ। अरे अरे ये क्या, अरे अरे वो मिस्टर हॉर्स। अरे 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 सजन तोरी प्रीत रात भर की
रात भर की सजन तोरी पीत रात भर की। दीदी दीदी आ जाएगी बेटा, जाओ तुम जाओ खेलो। बाबूजी आप कहें तो मैं जाकर देखा। अरे रामू तुम ना परेशान होते हो, ऐसे घोड़ों की सवारी करना तो उसकी हॉबी है। दीदी तुम कहाँ गए थे? दीदी मेरा सबसे ज्यादा फिक्र तो मेरे इस भैया को होता है। आधा वर्षा मैम साहब। ओ गाइड, मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? देखिए मिस्टर गाइड, ये कोई घोड़ा या बैलगाड़ी नहीं है, कार है। कार? जी हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कार हो या घोड़ा, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी, इस खाकसर के लिए सब बराबर है। आप जरा मेहरबानी करके इधर तशरीफ लाइए, मैं फटाफट ठीक कर देता हूँ। मैम साहब एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या है? बात यह है कि ये गाड़ी आप किसी कबाड़ी पे बेच डालिए, नहीं तो माचिस देता हूँ, यही जला डालिए। बड़े से बड़ा मैकेनिक अभी से ठीक नहीं कर सकता। माचिस दूं मैम साहब? शट अप। आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो शहर तक मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, चलेंगे? कोई जरूरत नहीं, गेट आउट। ठीक है, लेकिन देखिए मैम साहब ये जो जंगल है ना बहुत खतरनाक है, यहाँ शेर चीते भेड़िए लगड़ धक्के ये सब रहते हैं, रात होते ही एक एक करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। सोचिए सोचिए, मैं चला मैम साहब। सुनो गाइड, मुझे भी साथ ले चलो। बैठिए। खफा ना होना अगर मैं पूछूं, कहां से पाया ये हुस्नो शबाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं, कहां से पाया ये हुस्नो शबाब तुमने। कहो देखे हैं कभी भूले से अपने गालों पे खिलते गुलाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं, जो अपना जिक्र जरा आंखें हैं शर्माई हूं। सुना जो अपना जिक्र जरा आंखें हैं शर्माई हूं। जिस्म सिमटता चला गया, रूह भी है घबराई हुई। सादगी में भी शोखी का अंदाज है, खफा ना होना अगर मैं पूछूं, कहां से पाया ये हुस्नो शबाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं। को हमने
चांद कहा और कुछ अपनी भूल नहीं। चांद को हमने चांद कहा और कुछ अपनी भूल नहीं। कैसे खुलती अपनी जुबान होते ना तुम अगर हंसी। सारी महफिल से पूछो के क्या हाल है। खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न ओ शबाब तुमने। कहो देखे हैं कभी भूले से अपने गालों पे खिलते गुलाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं। अरे भाई एक मिनट, वो लड़की कहां गई? चली गई थी। और मेरी मोटरसाइकिल? वो रही मोटरसाइकिल। वाह वाह सच तेरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंकल वो सब कुछ तो मेरे दोस्तों की इज्जत की वजह से हुआ। दोस्ती का ये मतलब नहीं कि तुम उनकी हर गलत बात मान लो। आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। जानते हो मैं शील से बिना पूछे ही तुम दोनों की सगाई करने की सोच रहा था, मगर तुम हो कि बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए अंकल। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो कि मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया क्योंकि तुम मेरे दोस्त की आखिरी निशानी हो, मगर शील मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। आप नहीं जानते अंकल शील के लिए मेरे दिल में कितनी जगह है। मुझे यकीन है वो मुझे जरूर माफ कर देगी। ऑल राइट थैंक यू। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाया। आर ड्रीम हाउस। ये ड्रीम हाउस आप उसी लड़की को दीजिए जो उस दिन। अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है शील, वो तो मेरे दोस्तों की जिद थी जो मुझे पूरी करनी पड़ी। आप अपने आप को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं कैलाश बाबू। अच्छा भाई मैं बहुत बड़ा बेवकूफ ही सही, अब तो मुझे माफ कर दो। देखो तुम्हारे डैडी ने भी मुझे माफ कर दिया। वो तो कर ही देंगे, आप उनके स्वर्गवासी दोस्त के बेटे जो ठहरे। तो क्या तुम मुझे? मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। शील ऐसा मत कहो। शील तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं सोते जागते उठते बैठते उस दिन के सपने देखता हूँ जिस दिन तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। अब ये सपने कभी पूरे ना होंगे। ये सपने पूरे होकर आएंगे। तो क्या आप मुझे जबरदस्ती अपनाना चाहते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो मेरे होते हुए तुम किसी दूसरे की हो जाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाइए। गेट आउट, आई से गेट आउट। ओए कलवा इसमें पत्थर है कि बर्फ है, ठंडा ही नहीं होता, इसको और ठंडा करो। सरकार और बर्फ डालूंगा तो आप बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। अच्छा ये कलवा क्या हो गया? एक खत आया, पढ़ते ही ये हाल, पढ़ते ही ये हाल। डॉक्टर को बुला। हम बुलाने नहीं देते। नहीं देते, मैं बुलाता हूँ। ओए डॉक्टर दे बच्चे, एक लाख रुपए का तो नुकसान दे दिया, 20-25 डॉक्टर को भी खिलाना चाहते हो? डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। बाबूजी नुकसान कैसा नुकसान? ये ले ये पढ़ खत, पकड़ बर्फ। बाबूजी मुबारक हो बाबूजी, आपको तो ठेका मिल गया। ओए ठेके दे पुत्र, इसमें 1,00,000 रुपए का घाटा है। तो क्या हुआ बाबूजी, इज्जत तो रह गई? जरा सोचिए तो, जब आप तुर्रेदार पगड़ी बांधे मुछों को ताव दिए बाजार से गुजरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा ठेकेदार जा रहा है। वाह शेर दे पुत्र, 1,00,000 रुपए कुर्बान तुम पर से। जाला मेरा कोट और पगड़ी। अब भी लाया बाबूजी। और देख मेरी वो लाल टाई भी लेकर आना। द्वारका ले लिया ठेका, हो गया कलेजा ठंडा। अपना अपना नसीब है सेठ जी।
नसीब का हाल तो उस वक्त मालूम होगा जब 1,00,000 का घाटा देना पड़ेगा। दे दूंगा सेठ जी, मगर आपके पास मांगने नहीं आऊंगा। मालूम होता है चींटी के पर निकल आए हैं। द्वारका, वो दिन भूल गए जब तुम मेरे यहाँ 50 रुपए महीने पर एक मामूली कारिंदे की हैसियत से काम करते थे, आज मेरी बराबरी करने चले हो। सेठ जी, मेरा लड़का है। तुम तो वो गाइड हो ना? जी जी, मैं वही हो। ये ठेका इन्होंने नहीं, मैंने हासिल किया है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझसे कहिए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये कहाँ का कानून है कि कल का गरीब आज अमीर नहीं बन सकता, कल का नौकर आज मालिक नहीं बन सकता, कल का भूखा आज पेट भर के तो रोटी नहीं खा सकता? बताइए, ताकि मैं अपने बाबूजी से हक छीन लूं कि वो आपकी बराबरी ना कर सके। बराबरी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन द्वारका, इसके लिए तुमने जो रास्ता इख्तियार किया है उसकी मुझे तुमसे उम्मीद न थी। बड़ी देर की कहां गए थे? अरे वो कमबख्त द्वारका उलझ पड़ा था, जिद में आके ठेका तो ले बैठा, लेकिन दाल आटे का भाव उस दिन मालूम पड़ेगा जब 1,00,000 का घाटा देना पड़ेगा। 1,00,000 का घाटा? 1,00,000 का। लेकिन एक बात है, जितना बाप बेवकूफ है उतना ही बेटा अकलमंद है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और शक्ल सूरत से भी अच्छा है। क्या ख्याल है तुम्हारा? एक बात पूछूं? एक क्यों, हजार बात पूछो। जब भगवान अकल बांट रहे थे आप कहाँ थे? कल एक दोस्त के लड़के को पसंद कराए उससे जान छूटी, तो आज दुश्मन के लड़के को पसंद कराए, ये कुछ नहीं चलेगा। जब तक मैं लड़का पसंद नहीं करूंगी ये सगाई नहीं होगी। अच्छा जो तुम्हारी मर्जी में आया करना। शील कहाँ है? रसोई घर में। रसोई घर में? उससे तो डांस की रिहर्सल में जाना था। शील, यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ डैडी। ये काम तो 50 रुपए महीने का नौकर भी कर सकता है, तुम्हें तो डांस रिहर्सल पर जाना था ना, और फिर मैंने इतना रुपया खर्च करके तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया है कि तुम रसोई घर में काम करो। रसोई घर में काम करेगी तो सुखी रहेगी, धन दौलत तो दुनिया में धूप छाऊं, खाना पकाना, घर गृहस्थी संभालना, यही बहु बेटियों का जेवर होता है। तुम हमेशा दखियानूसी बातें करोगी। जाओ शील, यहाँ से जाओ। अच्छा माँ जी। शील की माँ, जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदली। मैं तो उस वक्त बदलूंगी जब ब्यूटी सैलून में जाके बाल कटवा के लिपस्टिक लगा के आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। सच बताओ कब जा रही हो? यस कैरी ऑन, कैरी ऑन। 1 2 यस, कम हियर, कम हियर। यस कैरी ऑन। 1 2 अप डाउन राइट बैक लक। व्हाट इज दिस? कैरी ऑन। यस नेक्स्ट गर्ल। यस उठिए उठिए, आई हैव अ न्यू एक्सरसाइज फॉर यू। सिट, बेंड अप, बेंड अप, गुड। यस, ओह नॉट लाइक दिस, बेंड अप, बेंड। सुनिए। यस, ओह जी हाँ, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखिए, मुझे अपने हमशीरा साहिबा का इलाज कराना है, मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ और बदन जरा भारी हो गया है, वैसे बेचारी कमसिन है, नादा है, भूली है। ओ ठीक है, बड़ी मामूली बात है, मैं समझता हूँ इन्हें ट्रीटमेंट नंबर 44 देना होगा और खर्चा बड़ा मामूली है, सिर्फ 250 रुपए की बात। मुझे मंजूर है। तो आप शौक से बुला के लाइए। बाजी रे बाप रे, इनके लिए 250 रुपए का तो तेल पाउडर ही लग जाएगा। भाईजान। बाजी देखिए ना दरवाजा कितना छोटा, अभी तो नहीं। नहीं बाजी, पहले पहले मामला है। ओहो मत घबराइए, ठीक हो जाएगा। आइए आइए। कंसर्न है, नादा है, भोली है। भाई साहब इन्हें ट्रीटमेंट नंबर 44 नहीं 944 देना होगा और खर्चा भी सिर्फ आएगा 944 रुपीज। जान माल सकते भाई साहब, आप इलाज कीजिए। ओके ओके। सेक्रेटरी कपड़े चेंज करो, प्लीज गो, आपका काम हो गया। सेक्रेटरी दस मिनट आओ, ब्राइन मिस अनारकली, हरिया जल्दी करो, जल्दी करो।
आइए आइए आइए, शर्माइए मत, आइए प्लीज कम, आइए योर वेट प्लीज। हो आप तो बच्चों जैसा शर्माती हैं, वेट प्लीज प्लीज। कम से न हो, नादा हो, नाजुक हो, चलिए चलिए आगे चलिए। मिस अनारकली यहाँ आइए, एक्सरसाइज नंबर टू, वेट लिफ्टिंग उठाइए, उसको वेरी लाइट उठाइए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यू कम हियर मिस पिंटो, मिस लूसी, कम हियर, कम हियर, जल्दी आओ, अनारकली को उठा के टब में डालो, डालो, अरे डालो ना, अरे अरे छोड़ बदतमीज, ओ मर गया, ओ साहब दादे अपनी बाजी को ले जाओ, इसने मेरा बाजा बजा दिया, व्हाट इज दिस, हेलो Where is Mr. Harry? Baby just coming. Oh, hello. Oh, hello. Hello, Miss Poonam. Hello, Mr. Harry. Huh? ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? मैं क्या करता? आज मेरा दिन ही खराब निकला। How bad. सुबह एक मोटी मसाज करवानी आई थी, उल्टा मेरी मसाज करके चली गई। अरे, I'm sorry. It's all right, Mr. Harry. हाँ. ये संभालो, अपना मेकअप का सामान। क्या हो गया? अब मॉडर्न डांस के बदले सदियों पुराना ड्रामा विश कन्या होगा। लाख समझाया लड़कियों को कि मॉडर्न जमाने के साथ चलो, शेक करो, ट्विस्ट करो, चाचा करो, नहीं हम तो विश कन्या ही करेंगे। छी। आप ठीक कहती हैं मिस पूनम, बड़े शर्म की बात है, दिस इज जेट एज, एज ऑफ ब्यूटी सलून। हाउ स्वीट हैरी, थैंक यू, वुड यू हैव सम टी, आइए आइए प्लीज, डोंट बी शाय, बैठिए, रिलैक्स, गर्ल्स गेट सम नाइस टी क्विक। बात यह है मिस पूनम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। आई होप नोबडी इज लिसनिंग। बात यह है, मेरी हिम्मत नहीं होती है, अगर आप बुरा ना माने। हाउ स्टूपिड। तो सुनिए, मैं कह डालता हूं, मुझे बोलने में शर्म आती है। अरे देखिए, मैं कह रहा था। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे थे? अब मैं क्या कहूंगा, मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। ओए होए। आज हम GTI कॉलेज के एनुअल डे पर एक क्लासिकल डांस बैले पेश करते हैं। ये एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की कहानी है जिसे एक सुंदरता के लोभी राजा ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इस झगड़े में उसके पति की मृत्यु हो गई और उसने ये प्रण किया कि वो अपने पति की मृत्यु का बदला इस नीच राजा से जरूर लेगी। लेकिन कैसे, ये सोचकर वो विषकन्या बनी और एक दिन उस राजा के महल में जा पहुंची। Thank you.
शाबाश बेटी शाबाश, मैं तो पहले ही जानता था कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी। देखा वकील साहब, भगवान बेटी दे तो आए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अंकल। कौन सी आइटम थी बेटी? विश कन्या डांस। ये तो क्या वकील साहब, मेरी बेटी हर चीज में फर्स्ट आती है। आइए मैं आपको दिखाऊं। देखिए वकील साहब, ये शील्ड और सारे कप मेरी बेटी को डिबेटिंग, डांसिंग, स्टडीज और स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने पर मिले। मुझे यकीन है राज साहब, शील्ड बेटी जिंदगी की दौड़ में भी फर्स्ट प्राइज हासिल करेगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें बेटी। अच्छा राज साहब, अभी जा रहे हैं। चलो शील बेटी। बेटी वो लड़का है ना गाइड, उसे तो तुम जानती हो ना? जी। क्या ख्याल है तुम्हारा उसके मुताबिक? राम राम राम, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें कोई जवान बेटी से पूछता है? अरे ये मॉडर्न जमाना है, बच्चों से पूछ लेना ही अच्छा है, वरना वही हालत होगी जो मेरी और तुम्हारी है कि मैं पश्चिम की तरफ तो तुम पूरब की तरफ। सो तो ठीक ही है जो मैं पूरब की तरफ हूँ, तभी तो आपको घी के परोठे खाने मिलते हैं। अगर मैं पश्चिम की होती तो मैं क्लब में होती और आपको घर में बैठ के बच्चे खिलाने होते। तो देवी जी आप ही जाके पूछ लीजिए। शील, तुमने वो लड़का देखा है? कैसा है? अरे मुझसे शर्मा रही है? मैं तो तेरी माँ हूं बेटी, अपने दिल की बात मुझसे न छुपाना। बोल, पसंद है? मैं समझ गई। देख बेटी, हम एक बार ठोकर खा चुके हैं, वो तो नसीब अच्छे थे जो सगाई नहीं हुई, वरना आज किसी को क्या मुंह दिखाते। ये बंधन जन्म जन्म के बंधन है बेटी, जो एक बार हो जाए जीवन भर नहीं टूटते, और इसी में स्त्री जाति की लाज है, समझी? बेटे। हाँ बाबू जी। ये राय साहब के यहाँ से बुलावा आया है, उनकी लड़की की सालगिरह है। लड़की की सालगिरह? ओ यार, लड़की की हो या उसके बाप की हो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों बाबू जी? ओ यार, वो अजीब आदमी है, बड़ा कमंडी है, कर दी तो क्या होगा। आप भी कमाल करते हैं बाबू जी, भला आपकी बेइज्जती करने के लिए उन्हें अपनी लड़की की सालगिरह मनाने की क्या जरूरत है? ओ शाबाश हो मेरे बेटे, इतनी अकल की बातें मत किया कर, नजर लग जाएगी। तो आप चलेंगे ना? बाप बेटे, प्यो दे नाल चाल बाजियां। आप समझते नहीं बाबू जी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जरा सोचिए तो, जब आप तुर्रेदार पगड़ी बांधे, मूछों को ताव दिए वहां पहुंचेंगे, तो लोग कहेंगे कि जलगांव के नए ठेकेदार आ गए। या मेरा कोट और पगड़ी होए। लेकिन बाबू जी, वो प्रेजेंटेशन खरीदने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना? रख दे पगड़ी और टोपी वहीं पर। लेकिन बाबू जी, आप इतने बड़े ठेकेदार हैं, बगैर प्रेजेंटेशन आप कैसे जा सकते हैं? ओ यार ये भी ठीक है। और बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? 100 रुपीज। 100 रुपीज कितना होता है ओली बोल? 100 रुपया बाबू जी। 100 रुपए? जलगांव के ठेकेदार का पुत्र होके 100 रुपए का तोहफा? ये ले 100, ये ले दूसरा 100। हेलो, मुबारक हो रहा है साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो। हेलो हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते जी। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मम्मी सालगिरह मुबारक हो आपको। आपके लिए छोटा सा तोहफा। हैरी। ओह, रायसाल्स बर्थडे? नो, इट्स शील्स बर्थडे। ओह आई एम सॉरी। ओह शील, ओह शील, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शील। छोटा सा तोहफा आपके लिए। I hope you like it. Thank you. Thank you. नमस्ते सेठ। नमस्ते नमस्ते। हेलो मिस्टर गाइड, कहो कैसे हो? अच्छा। द्वारका, अच्छा हुआ तुम आ गए, उम्मीद तो मुझे कम थी। ओ सेठ जी, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? ओ टेंडर वाली बात तो आप भूल गए होंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, आओ मेरे साथ। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। वो मालूम नहीं है मेरे पुत्र को क्या हो गया, कार के लिए हर वक्त परेशान रहता, देख लिया अब। द्वारका, एक न एक दिन तो इस बात का फैसला होना ही था, आओ अभी क्यों न कर ले, चलो मेरे साथ। चलो जी आओ।
Yes, come. Happy birthday. Thank you. भाई साहब क्या है ये? आइसक्रीम सर. आइसक्रीम? यस. आई डोंट बिलीव यू. जो फैसला किया है क्यों ना सबको सुना दे. ठीक है आओ तुम दोनों मेरे साथ. आई विल ऑल्सो कम. खड़े हो जाओ यहां. दोस्तों हमने फैसला किया है कि आज राजेश और शील की सगाई कर दी. राजेश इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो. ये क्या है? बाहर जाके देख लो. अच्छा लेट अस सी. आई विल आल्सो कम. ये क्या कर रही हो? अपना मुंह तो मीठा करो. अरे द्वारका का मुंह भी तो मीठा कराओ. ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था. ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था. ना ये जमीन थी ना आसमां था. चले कहां से कहां पे आए खुमार बन के जहां पे छाए. हर एक अरमान नौजवान था. ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था. ना ये जमीन थी ना आसमां था. Thank you.
ताजगी दी। तड़प थी शामिल, खुदा भी कुछ हम पे मेहरबान था। नई जमीन थी ना आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था। नई जमीन थी ना आसमां था। अपनी बाहें इधर से गुजरोगे एक दिन तुम, नसीब ऐसा मेरा कहाँ था। ना ये जमीन थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जवां था। ना ये जमीन थी ना आसमां था। What? Darling. What do you want? Oh, sorry. Wrong number. Then go. Okay, okay. Darling. Oh, you? Wait. Oh. Girls and girls everywhere. Not a girl for me. Wait. डार्लिंग, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। करो। देखो ना, शील ने भी सगाई कर ली, क्यों ना हम लोग भी शादी कर लें? ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओह नो। ओह यस। कहाँ फंस गया मैं? क्या बकता है, हमको तुम्हारे जैसा छोकरा मांगता था, हम तुम्हारे से शादी करेगा। माता जी, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, छोड़ो मुझे। ओह मैन यू। बचाओ, मुझे किंग कॉन्ग की बेटी से बचाओ। पानी, वो मर गया। What happened? पूनम, मैं तुमसे शादी की बात करने आ रहा था, वो मोटी मेरे पीछे पड़ गई। Don't worry. सुनो, तुमने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा? तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। ओ, क्यों? क्या तुम्हारा मेरा हॉरोस्कोप नहीं मिलता? ऐसी कोई बात नहीं, तुम कद के छोटे हो, मैं कद की लंबी हूँ, जोड़ी नहीं मिलती। अरे सुनो, अगर मैं अपने कद को लंबा कर लूँ तो? तो फिर शायद मैं सोचूं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर आज से मैं भी सोचता हूँ, अपना फॉर्मूला नंबर 888 लगाता हूँ। शादी, शादी, शादी। ओए, ओए, हाँ, खेचो, खेचो, देखता हूँ मैं कैसे लंबा नहीं होता। खेचो, और खेचो। अरे ताकत लगाओ, अरे बस करो, अरे बस करो, होश ठहरो। थक गया हूँ, दो घंटे से लगा हूँ, जरा मुझे नाप के देखो। नापो, नापो, नापो। I want to see. Yes,
क्या हाल है मेरा? ओ गॉड, अब तो पहले से भी एक इंच कम हो गया। क्या? अरे रे, क्या मेरी वापसी शुरू हो गई है? अरे रे, ये क्या हो गया? अरे बाबा रे। हाँ, आइडिया। तो मैं चलूं? मुझे जाना ही पड़ेगा शेर, क्योंकि मेरी वजह से जंगलात का तमाम काम रुका पड़ा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? तुम भी तो जा रही हो मेरे साथ। मैं? हाँ, तुम न सही, तुम्हारी याद तो मेरे साथ जाएगी। राजेश, तुमसे जुदा होने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है कि यूं ही तुम्हारी आहोश में समाई रहूं। ब्रेक और टायर दोनों खोल दिए ना। गाड़ी 2 मील से दूर नहीं जाएगी। एक दफा ढलान से उतर गई तो इसे भगवान भी नहीं रोक सकता। शाबाश, चलो। काफी चोट लगी है। आई होप द नर्व्स। इट्स क्वाइट सीरियस। हो सकता है जिंदगी भर अपाहिज ही रहे। वेल, आई होप नॉट। क्या हाल है राजेश का? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या है? तुझे मेरी उम्र लग गई। राजेश, मेरे बच्चे। राजेश,
कैसी तबीयत है इनकी? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, बुखार भी कम है। कैसा है राजेश? अब कुछ ठीक है, भगवान सब ठीक कर देगा बेटे, घबराओ मत। दीदी तो कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन दीदी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? मालूम है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? रक्षाबंधन। मैं तो भूल ही गई थी, लाओ मैं तुम्हें बांध दूँ। नहीं मैं तुमसे नहीं बनवाऊंगा। अगर भाई बहन से राखी नहीं बंधवाएगा तो बहन की रक्षा कौन करेगा? अच्छा आज तो मैं बंधवा लेता हूँ, ससुराल जाके भूल गए तो मैं याद दिलाने नहीं आऊंगा। मेरे छोटे से प्यारे से भैया, मैं कहीं भी रहूंगी तो मैं राखी बांधने जरूर आऊंगी। अरे वो मिठाई तो आ जा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं भाभी, ऐसा मालूम होता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां आके मेरी चोली में गिर गई है। लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। भाभी जी मेरा राजेश अपने घर आ गया है। राजेश घर आ गया? भगवान तेरी कृपा है। बैठिए ना। शीर देख तो कौन आए हैं। भाभी जी डॉक्टर ने कहा है कि एक दो महीने में राजेश बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आओ बेटी आओ, आप जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। लीजिए मुंह मीठा कर लीजिए। वाह भाई वाह, क्या मिठाई शीर ने अपने हाथ से बनाई है। इसीलिए तो कहता हूँ भाभी के दोनों की जल्दी शादी कर दो कि मुझे भी अच्छी अच्छी मिठाई खाने को मिले। अरे अरे देख बेटी तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ कि देख। इतना कीमती हार लाने की क्या जरूरत? अरे ये क्या चीज है भाभी, मेरा बस चले तो सर से पांव तक इसे सोने में पीला कर दूं, एक ही तो बेटा है मेरा। सुना तुमने राजेश घर आ गया है? और भाभी उसने कहलवाया कि अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए शील को घर भिजवा दो। क्यों नहीं जरूर, जाओ बेटी जल्दी तैयार हो जाओ। लो बेटी भाभी जी शादी की तैयारी हो रही है ना? जी हाँ। भाभी जी आजकल का रवाज भी अजीब है, लोग शादी के लिए जाते हैं तो मोटर में बैठकर। मैं जब राजेश की माँ से शादी करने गया था तो घोड़े पे बैठ के गया था। मैं चाहता हूँ कि मेरा राजेश भी जब शादी के लिए आए ना तो घोड़े पे बैठ के आया। ये शादी नहीं होगी द्वारका। आप क्या कह रहे हैं राय साहब? मैं मजबूर हूँ, एक अपाहिज के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। अपाहिज? एक बाप के सामने उसके बच्चे को अपाहिज तो न कहिए सेठ जी। और फिर राजेश को आज मैं अपने घर ले आया हूं, डॉक्टर ने कहा है कि दो महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर टंडन ने तुम्हें झूठी तसल्ली दी है, मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने बताया है कि अगर राजेश ठीक भी हो गया तो वो अपनी असली हालत पर कभी वापस नहीं आ सकता। राय साहब राजेश जरूर ठीक होगा, मैं उसके इलाज के लिए अपनी जमीन जायदाद यहाँ तक कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। द्वारका ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं एक अपाहिज के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। भाभी भगवान के लिए भाभी 3-4 महीने, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर कभी ऐसा हो गया तो मुझे राजेश की सौगन है कि मैं उसे समझा बुझा कर ये मंगनी तोड़वा दूंगा। द्वारका जो बात तुम उसे 4 महीने बाद समझाना चाहते हो वो आज ही क्यों नहीं समझा देते? राय साहब सोचिए तो, राजेश पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है कि शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त न कर सके। वो इतना सा था तो उसकी मां गुजर गई, मैंने उसे मां का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। राय साहब मुझ पर दया कीजिए। द्वारका अगर तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी अजीज है तो मुझे भी अपनी बेटे की जिंदगी प्यारी है। तुम मेरा फैसला सुन चुके हो, मैं अपना फैसला किसी कीमत पर भी नहीं बदलूंगा। राय साहब बरसों मैंने आपका नमक खाया,
परसों मैंने आपका नमक खाया, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज आज मैं अपने बच्चे के लिए भीख मांगता हूँ आपसे। द्वारका, मुझे मजबूर न करो कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहूं। कहाँ जा रही हो? बाबूजी के घर। कोई जरूरत नहीं, आज से हमारा उस घर से संबंध टूट गया है। ये बात आपको सगाई से पहले सोचनी चाहिए थी पिताजी। तो क्या तुम अपनी मर्जी से वहां जाओगी? ये क्या हो गया है आपको? क्यों जगह साई पे तुले हुए हैं आप? हमारी ही मर्जी से तो ये सगाई हुई थी। तुम चुप रहो जी। शील, आज से तुम राजेश का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन पिताजी, एक बार सगाई होने के बाद। खामोश! क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें लिखाया, पढ़ाया और मॉडर्न तालीम दी कि तुम अपने आप को पुराने रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दो? ठीक है पिताजी, आपने मुझे लिखाया, पढ़ाया, मॉडर्न तालीम दी, लेकिन इस घर में एक माँ भी है जिन्होंने मुझे हमेशा ये शिक्षा दी कि हम जहां भी हो, जो भी हो, हमें अपने आदर्श और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। तो क्या सभ्यता के यही माने हैं कि तुम अपने आप को एक अपहत के लिए बलिदान कर दो? ये मेरा नसीब है पिताजी। कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कैसी तबीयत है बेटी? दवाई पी? बाबूजी। हाँ। शील नहीं आई? शील? शील तो आ रही थी मेरे साथ बेटे, मगर मैं जानकर नहीं लाया उसे। शादी से पहले लड़की का इस तरह आना जाना घर में ठीक नहीं। लेकिन ये नई बात क्यों? इससे पहले भी तो शील यहाँ आती जाती थी। हाँ आती जाती थी, मगर वो क्या है बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है? अब चुप क्यों है बाबूजी, अब बताइए ना। राजेश, शील अब कभी इस घर में नहीं आए। मैं आ गई बाबूजी। बेटी, तुम मुझे यकीन था जब राय साहब का गुस्सा उतर जाएगा तो मेरी बात मान जाएंगे। मैं उनकी इजाजत के बगैर आई हूं। इजाजत के बगैर? ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची। क्यों? सभी तो कहते हैं कि लड़की का असली घर वो नहीं जहां वो पैदा होती है, बल्कि उसका असली घर ससुराल में होता है। लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले नहीं मेरी बच्ची। बेहतर तो यही है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। शील, बाबूजी ने ठीक ही कहा, तुम वापस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शील, तुम समझते क्यों नहीं? दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे आदमी से नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो। मैं ठीक कह रहा हूँ शील, हो सकता है कि मैं जिंदगी भर अपाहिज रहूं, मेरा इलाज ना हो, मैं मर जाऊं। शील, तुम चले जाओ। शील, प्लीज चले जाओ। कहां जाऊंगी मैं? माँ बाप का घर तो मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और अगर इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो फिर मेरे लिए एक ही रास्ता है। शील, तुमने जो कहा है मैंने सुन लिया। मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज से तुम राय साहब की बेटी नहीं, मेरी बेटी हो, और यह घर तुम्हारा घर है मेरी बच्ची।
देखी उस जलील कमीने की हरकत। एक तो बगैर पूछे हमारी बेटी को उसने अपने घर में जगह दी, दूसरे अपने अपाहिज बेटे से हमारी बेटी की शादी ले जा रहा है, और हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए हमारे पास शादी का कार्ड है। शादी का कार्ड? हाँ, शादी का कार्ड। वकील साहब जी, आप शादी को रोकने के लिए फौरन कानूनी कार्रवाई कीजिए। राय साहब, कानूनी कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? लड़की बालिग है, उसे अपने मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। वकील साहब, कानूनी या गैर कानूनी, ये शादी रुकनी ही चाहिए। आज की दुनिया में पैसे को बहुत बड़ी ताकत है। मैं उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि कल तक जो हमारे टुकड़ों पर पड़ा। लेकिन जरा सोचिए तो, हमारी ही मर्जी से उसकी सगाई हुई और उसने राजेश को पति माना। एक ही तो लड़की है, अगर आप शादी में नहीं गए तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ भी कहे, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी। शील की माँ, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तो तुम भी सुन लो, अगर तुम शादी में गई तो समझ लेना कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मर चुका है। समझ गई। सब इंतजाम ठीक है। अनिल, इतनी रात गए ये पगड़ी पहनकर कहां जा रहा है? खेलने। ये खेलने का वक्त है? रामू। जी बाबूजी। इसे ले जाकर इसके कमरे में सुला दो और कोठी का गेट बंद कर दो। विश्वे देवासयम पयः पृथ्व्यां पयो खदीषु पयो दिव्यंतरिखे पयो दा। कन्यादान कौन करेगा? लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं आया क्या? नहीं, फिर तो ये शादी नहीं होगी। कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान मैं करूंगा। तुम? हाँ मैं। अरे आओ मेरे बच्चे। पंडित जी, ये तुलन का छोटा भाई है। दीदी, माँ ने तुम्हारे लिए कंगन भेजा। लोग जिस रात का बेचैनी से इंतजार करते हैं, तरह तरह के ख्यालों से अरमानों की दुनिया सजाते हैं, वो रात आ गई। तुम मेरी बाहों में हो, तन्हाई है, सब कुछ है, लेकिन इतनी जल्दी शादी के लिए मजबूर करके तुमने अच्छा नहीं किया शेर। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने तो तुमसे प्यार किया है, मोहब्बत की है, पूजा की है। मोहब्बत दो जिस्मों के मिलाप का नाम नहीं राजेश। प्यार का संबंध तो आत्मा से होता है, और फिर वो दिन भी दूर नहीं जब राह के अंधेरे दूर हो जाएंगे। हम दोनों ने मिलकर जो ख्वाब देखे थे जरूर पूरे होंगे राजेश, जरूर पूरे होंगे। रख दो यहाँ पर। अरे ये उंगली में क्या हुआ तुम्हारी? जी वो कुछ नहीं बाबूजी, जरा सबसे काट। बेटी, जिन हाथों में मेहंदी रची होनी चाहिए थी उनमें से खून टपकते हुए मुझसे नहीं देखा जाता,
ये घर में इतने नौकर चाकर हैं, तुम उनसे काम क्यों नहीं लेती? बाबूजी, मुझे ये सब करने में बड़ा आनंद मिलता है। और फिर ये तो हर हिंदुस्तानी लड़की का फर्ज है कि वो अपना घर खुद संभाले। जी ओ मेरी बच्ची, भगवान तुझे सुखी रखे। हेलो गर्ल, tall and handsome. Thank you very much. मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मगर तुमने बकत इतना लंबा कैसे किया? ओह, ये सब मेरे पंचवर्षीय फॉर्मूले की करामात है। How beautiful shoes. Thank you very much. Really, what beautiful shoes. कहाँ से खरीदा है इसको? इसको इसे मैंने खास तौर पे मंगवाया था होनोलुलु से। ऐसी क्या खास बात है इसमें? खास बात एक खासियत हो तो बताऊं, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसे मनुष्य पहनकर पानी के ऊपर तोड़ सकता है। लाइक दिस। पूनम डार्लिंग, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो ना। शाह जी, जब तुम चाहो। ओके फ्रेंड्स, टुमारो नाइट एट लीडर्स क्लब वी अनाउंस अवर शादी। पापे ना शर्मा, कुछ गर्मी जर दिखा, आज खुशी का दिन है प्यारे, जप्पी वप्पी पा। ओ पापे ना शर्मा, कुछ गर्मी जर दिखा, आज खुशी का दिन है प्यारे, जप्पी वप्पी पा। ओ पापे ना शर्मा। जलवे सलाम को बढ़ के लगा ले, होंठों से जाम को आए हैं दूर से, जलवे सलाम को रोज नहीं मिलते ये मौके, कुछ तो रंग जमा। ओ पापे ना शर्मा, कुछ गर्मी जरगा, आज खुशी का दिन है प्यारे, जब भी वप्पी पा। ओ पापे ना शर्मा। ना शर्मा, कुछ गर्मी जर्द का, आज खुशी का दिन है प्यारे, जब भी वप्पी पा। ओ पापे ना शर्मा।
पापे ना शर्मा कुछ गर्मी जर लिखा आज खुशी का दिन है प्यारे जप्पी वप्पी पा ओ पापे ना शर्मा कुछ गर्मी जर लिखा आज खुशी का दिन है प्यारे जप्पी वप्पी पा ओ पापा 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 पापे ना शर्मा कर रहे हो? मैं पाउडर लेने आया था। चश्मे बद्दूर खुदा महफूज रखे हर बला से। कम ऑन डार्लिंग, सुनो कितनी सुहानी रात है। ओह आई अंडरस्टैंड, लिटिल कोर्टशिप बिफोर हनीमून। वन मिनट, कम वन मिनट। डार्लिंग सॉफ्ट म्यूजिक, लेट्स डांस। ओह कम ऑन डार्लिंग, लेट्स ऑल डांस। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी देवी मिली है। You are a mahalovely. You are my kilo petra. Don't maro me patra. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? Oh, अरे रे रे, ये मैं कहाँ यहाँ? Oh, it is my violin. मेरी हॉबी है ये. मैं बात कर रहा था. सुनो. बोलो. Please बजाओ ना. क्या बजाऊँ? कुछ भी. Oh, अरे इसी टाइम पे बजा रहा है. Okay. सुनो मैं बात कर रहा था। ओ यू ब्लास्टेड, इसी टाइम पे आ रहा था। वेट फॉर मी, आई विल जस्ट कम। वेट फॉर मी, आई विल प्ले अगेन। चलो क्या है? दूध लाया। ये दूध लाने का टाइम है, गेट आउट। यू इडियट, क्या मुसीबत है? माफ करना डार्लिंग, वो जरा बेवकूफ नौकर दूध लेके आ गया था। आई एम सॉरी। कम ऑन माय लव, कम क्लोज टू मी। ओ नो, फिर आ गए। अरे आज ही सबको घंटी बजानी थी। अब मैं डालेंगे अंतर करें। क्या है, क्या चाहिए? दूध साफ करने आई हूँ। ओ माय गुडनेस, जाओ यहाँ से, जाओ। मुसीबत है। माफ करना डार्लिंग, कोई नमूना आ गया था। आने दो। ओ नो, अब टेलीफोन की घंटी की बारी है। बैठा। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या कहा? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी मदद कीजिए। अरे मैं यहाँ खुद बर्बाद हो गया हूँ। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, पागल खाना है। अरे टूट गया पूनम। अरे पूनम, पुनो जागो। अरे सो मत, ओ आज तो जागने की रात है पुनो। मैं तो अकेला रह गया। ये भी टूट गया, अब मैं क्या बजाऊंगा?
Any pain here? Little. Here? No. Good. ताज्जुब है, मैं समझता था इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें 3-4 महीने लगेंगे, बट तुम तो 15 दिन में ही करीब करीब ही ऑल राइट। डॉक्टर साहब, ये सब शील की वजह से हुआ। मेरी इतनी देखभाल, इतनी तिमारदारी। आई नो, जिसकी इतनी अच्छी बीवी हो, बीमारी उसके पास भला कैसे रह सकती है। मेरा ख्याल है ये 7-8 रोज में ही चलने फिरने लगेंगे। सच डॉक्टर? ऑफ कोर्स। मैं एक दवा लिख देता हूँ, गिव मी सम पेपर प्लीज। थैंक यू। ये दवा मंगवा लो, मैं चलूं। बाय बाय। नमस्ते। सुना तुमने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम 7-8 दिन में चलने फिरने लगोगे। शील, ये सब तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है। नहीं राजेश, ये तुम्हारी हिम्मत और मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा है। अच्छा, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं, वो बाबूजी के साथ कहीं बाहर चला गया है। तो घर में कोई भी नहीं है? ओहो, सुनो सुनो सुनो, मैं एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। क्या? करीब आओ, और करीब। क्या हुआ? धत, रीढ़ की हड्डी में और ज्यादा चोट आ गई है। मेरा ख्याल है अब कि उसे हॉस्पिटल में काफी दिनों तक रहना पड़ेगा। आप कहीं भी रखिए उसे डॉक्टर साहब, उसे अच्छा होना चाहिए, खर्च की परवाह न कीजिए। आप तो जानते हैं वो मेरा इकलौता बच्चा है, मैं बड़ा परेशान हूं डॉक्टर साहब, मैं बड़ा परेशान। आप घबराइए नहीं लाला जी, मैंने स्पेशल वार्ड का इंतजाम कर दिया है, और अगर आप चाहें तो मैं स्पेशल नर्सिस का भी इंतजाम किए देता हूं। ये ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। एक छोटी सी अर्ज है मेरी, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि शील राजेश के साथ रहे? जी हाँ, क्यों नहीं, ये बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, मैं इजाजत लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे राजेश बेटे, तो बोले तो मैं जरा जंगलात पे चला जाऊं, मालूम नहीं वहां क्या हो रहा है। जरूर जाइए बाबूजी। ओ यार, इतना उदास क्यों होता है तू? बोल तो मैं नहीं जाता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सोच रहा हूं कि जवानी बुढ़ापे का सहारा बनती है, लेकिन बुढ़ापे को जवानी का सहारा बनना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था बाबूजी। मेरे पुत्र, छोटा दिल मत कर, तुझे तो बहुत दिन जीना है, किसी किस्म की तकलीफ मत उठाना। मैं गया और वापिस आया। ओ जीती गए, जीती गए। देख रहे हैं ना सरकार, कितना बड़ा जंगल है। जंगल तो अच्छा है कलवा, लेकिन तुम जानते हो कि ये ठेका हासिल करने के लिए मुझे अपनी जमीन, जायदाद, जेवर, यहां तक के रहने का मकान तक भी गिरवी रखना पड़ा है। अलवा, तुम सामान उठवाओ। मुनीम जी, तुम मेरे साथ आओ। कैलाश, नए ठेकेदार साहब आए हैं। ठेकेदार? हाँ। अरे जाओ, उससे कह दो मैं यहां नहीं। कहने की क्या जरूरत है, वो तो मैं देख रहा हूं। ओ, तो आप यहां तक आ पहुंचे। फरमाइए, मैं क्या खिदमत करूं आपकी। जंगल में कटाई का काम शुरू हो गया है, मुझे रहने के लिए मकान चाहिए। मकान? ठेका आपने इस जंगलात का लिया है, इस मकान का नहीं। देखो भाई, जिसके पास ये ठेका होता है उसी को ये मकान रहने के लिए मिलता है। मिलता होगा, मगर मैं इस कायदे कानून को नहीं मानता। क्यों भाई? समझा दो इसे।
वो हाथ चौक पर है, बोलो। खबरदार अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। तुम क्या समझे थे कि तुम जैसे पेड़ियों को इस कार से निकालने के लिए मैं निहत्ता आया हूँ? और निहाल सिंह कर रहे थे, चुपका गंदी चीज तो बॉय, मैं इंजेक्शन लिख के देता हूं वालों। ये कैसा डर है डॉक्टर साहब? मुझे डर था कहीं इंफेक्शन ना हो जाए, वही हुआ। इंफेक्शन इससे है और बुखार भी बहुत तेज है। सुबह तक ये इंजेक्शन मंगवा लो, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिख दिए, पैसे हैं तुम्हारे पास। समझ में नहीं आता है शेर, इधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है, उधर दवा लाने के लिए पैसे नहीं, बाबूजी का भी कोई पता नहीं। वो किसी जरूरी काम में होंगे। ये तो उनकी पुरानी आदत है, जिस काम में लगते हैं उसी काम में खोकर रह जाते हैं। मेरा ख्याल है तुमसे मिलाओ शेर। बाबूजी कहाँ है? घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पे भी बाबूजी का पता नहीं। बताइए ना मुनीम जी, कहाँ है वो? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, बोलिए। क्या बताऊं बीबी जी, जिस दिन वो यहाँ पहुंचे उसी रात जंगल में आग लग गई। घबराहट में चीखते चिल्लाते हुए वो जंगलात में चले गए। आग कम होने पर मैंने बहुत तलाश किया, न उनकी लाश मिली और न अभी तक कोई पता चला।
बेटी ये सब 800 रुपए के हैं। सिर्फ 800? जी हाँ। दीदी माँ ने तुम्हारे लिए कंगन भेजा। बस 800 इसके समझ लीजिए। हाँ ले लीजिए। हाँ ये पूरे 1600 हैं, गिनिए। हाँ अच्छा आगे बाबूजी मिले। हाँ तुम्हें बहुत याद करते थे, कहते थे कि मेरा राजेश कैसा है। तो फिर वो आए क्यों नहीं? वो काम में इतने मसरूफ थे कि उन्हें दम भरने की भी फुर्सत नहीं थी, फिर भी वो आने के लिए तैयार थे लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। तो कब आएंगे? वो कहते थे काम से फारे होकर वो जल्दी ही आ जाएंगे। तुम उन्हें साथ ले आती तो अच्छा था, उन्हें देखने के लिए मेरा दिल कितना तड़प रहा है। आज उन्हें खत लिख दो। अच्छा इंजेक्शन का वक्त हो गया है, मैं डॉक्टर साहब को लेके अभी आती हूँ, और बिल भी देना है। अरे तुम्हारे हाथ के जेवर कहाँ है? जेवर? हॉस्पिटल में इतने कीमती जेवर पहनने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं उन्हें लॉकर में रखाई हूँ। अभी आई। हाँ कितने हैं? 1500। सिर्फ 1500 रुपए? आपको तो 2000 रुपए देने थे ना। मैं बाकी रुपए फिर दे दूंगी। देखिए यहाँ क्रेडिट सिस्टम नहीं, पर आपको तो मालूम ही है कि यहाँ पर स्पेशल रूम्स की हमेशा डिमांड रहती है। मैं जितनी जल्दी हो सके बाकी पेमेंट कर दूंगी। खैर मैं अब जमा किए लेता हूँ, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा, अगर फुल पेमेंट ना हुई तो आपको रूम खाली करना पड़ेगा। आप ठहरिए मैं रसीद देता हूँ। जी मैं ये इंजेक्शन डॉक्टर साहब को दे के अभी आती हूँ। अच्छी बात। ये इंजेक्शन तो तुम ले जा चुकी हो। हाँ, और चाहिए? ये इंजेक्शन आसानी से नहीं मिलते, मगर मैं फिर भी देखता हूँ। सुनिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप उधार दें। लेकिन मैं उधार तो नहीं दे सकता। प्लीज आपका बड़ा एहसान होगा। देखो बेटी मैंने उधार बिल्कुल बंद कर रखा है। आई एम सॉरी। कौन सा दिन है? रक्षाबंधन। अरे मैं तो भूल ही गई थी। अगर जो ससुराल जाके भूल गए तो मैं याद दिलाने नहीं आऊंगा। ये लीजिए। क्या कीमत है इसकी? जी आधा नहीं।
बेटा राखी बनवा लो। मैं दीदी के सिवा किसी से भी नहीं बनवाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, बनवा लो बनवा लो, लो बनवा लो। मैंने कह दिया ना, मैं दीदी के सिवा किसी से भी नहीं बनवाऊंगा। ये क्या आदत लगा रखी है? देखिए ना, सुबह से अपनी दीदी को याद कर रहा है। आज राखी का दिन है, बुला लीजिए शील को। खबरदार, जो उसका नाम मेरे सामने लिया, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी मर चुकी है। मेरे जीते जी वो इस घर में कदम नहीं रख सकती। रामू, रामू आओ बाबू जी, अंदर आए बाबू जी, आइए। नहीं रामू नहीं, देखो ये राखी मेरे अनिल को दे देना। खुद ही बांध दीजिए बीबी जी, बाबा आपको बहुत याद करता है। आइए बीबी जी। नहीं रामू, आइए। नहीं नहीं बेटा, मत रो मेरी लाल। बाबा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाया हूँ, आओ मेरे साथ। आओ आओ बैठो बैठो बाबा, ये लो बाबा तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी राखी लाई है। दीदी कहाँ है? दीदी अभी गई। दीदी दीदी अनिल, कुछ घबराने की बात नहीं, डिलीरियस कंडीशन है। मेरा ख्याल है कि शील को बुला लिया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर, शील यहां नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, ये जिद करने का वक्त नहीं है, बुला लीजिए शील को। तुम चुप रहो जी, हमारा छोटा बच्चा है, कुछ उसका ख्याल तो करो। डॉक्टर ये सब उसी की वजह से हुआ है। मैं बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस अभागन का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। अभागन, माय गॉड, तुम जैसा जिद्दी आदमी मैंने नहीं देखा। तुम जाओ घर पे, बच्चे को आराम की जरूरत है। लेकिन घबराओ नहीं सर, सीरियस कंडीशन नहीं है, और मैं तो हूं यहां पे, जाओ आराम करो। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने बच्चे के पास रह सकती हूँ? भाभी, आपसे ज्यादा बच्चे को मेरी जरूरत है। आप घबराइए नहीं, जाइए आराम कीजिए, घबराइए नहीं। डॉक्टर साहब आओ। शील, वो इंजेक्शन ले आए तुम? शील, मेरी समझ में नहीं आता तुम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही हो। तुम नहीं जानती ये बहुत सीरियस बीमारी होती है। I'm sorry, डॉक्टर, मैं ले आऊंगी। शील, तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट? कैसे, कहाँ है वो? घबराओ नहीं, वो इसी अस्पताल में है। शील देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम अपने भाई से नहीं मिल सकते। आपने गलत सुना होगा डॉक्टर साहब, पिताजी ने कहा होगा शील से कह दो कि वो जहर खा के मर जाए। आप मुझे जहर क्यों नहीं दे देते, मार क्यों नहीं डालते? जो बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती उसका मर ही जाना अच्छा है, मर ही जाना अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे अपने भाई की सूरत देखने दीजिए। बहन बनकर ना सही, मैं नर्स बनकर उसको एक दफा देख लूंगी। मैं वादा करती हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई को भी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा बेटा, जाओ वार्ड नंबर 6। कौन है, कौन है? नर्स। नर्स, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरे दीदी से मिलती है। दीदी? नहीं भैया, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं तो नर्स।
मैं समझा मेरी दीदी आ गई। मेरी आंखों में पट्टी है, मैं देख नहीं सकता। हो सकता तो मेरी शक्ल मेरी दीदी से मिलती है। तो तुम मुझे ही अपनी दीदी समझ लो। मेरा भी तुम जैसा एक भाई है, बिल्कुल यही मोहिनी सूरत है उसकी। लेकिन वो मेरे पास होते हुए मुझसे बहुत दूर है। मैं भागन आज उसे राखी भी नहीं बांध सकी। तुम रो रही हो नर्स, तुम्हें अपने भैया से बहुत प्यार है ना? एक मैं हूँ जिसकी दीदी बड़ी कठोर है, उसने मुझे राखी तक भी नहीं बांधी। तो लाओ मैं तुम्हें राखी बांधू। अभी तो तुमने कहा था ना कि मेरी आवाज बिल्कुल तुम्हारी दीदी से मिलती है, तो तुम ही मुझे अपनी दीदी बना लो। तुम मुझे भैया कहोगे ना? हाँ भैया, मेरे छोटे से प्यारे से भैया। लाओ मैं तुम्हें राखी बांधू। शील शील शील, मैं इसीलिए आज ही अंदर को यहां से ले जाऊंगा। अगर आप कहें तो मैं एक नजर शील को देख लूं। मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूं कि शील हमारे लिए मर चुकी है। ठीक है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। दीदी, दीदी ये राखी किसको बांधने जा रही हो? किसी को नहीं। क्यों, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन मुझसे बहुत दूर है। मुझे बांधो, मेरे कोई बहन नहीं है, मुझे आज तक किसी ने ही बांधी राखी। तो लो मैं तुम्हें राखी बांधू। दीदी, कोई बहन रोते हुए भाई को राखी बांधती है? नहीं भैया, मुझे माफ कर दो। देखो मैं रो नहीं रही हूँ, हंस रही हूँ। नहीं दीदी, तुम्हारे दिल में जरूर कोई दुख है। डॉक्टर अंकल ने बोला था हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। देखो तुम्हारा फूल चाचा रंग मुरझाया हुआ है। टाली से गिरकर फूल जब खाक में मिल जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं होती भैया, कोई कीमत नहीं होती। खाक में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है। खाक में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है। हमसे हार मानना आदमी की भूल है, हमसे हार मानना आदमी की भूल है। खाक में Thank you.
care to see you, sir. You can go now. Come in. Namaste. आप स्टेनोग्राफी जानती हैं? जी नहीं. टाइपिंग जानती हैं? जी नहीं. आपने पहले कहीं काम किया है? जी नहीं. Then I am sorry. क्या आपके यहां मेरे लिए ऐसा कोई काम नहीं? नहीं. देखिए मैं कुछ मेहरबानी करके आप मेरा वक्त जाया ना कीजिए. जब आपको कुछ नहीं आता तो आप नौकरी किस लिए मांगने आते हैं? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. यू मे गो प्लीज. सुनो, तुम रो रही हो? जी नहीं. मेरे पास एक चीफ स्टोर कीपर की जगह खाली है. नाइट शिफ्ट में काम करोगे? जी, रात को मैं काम नहीं कर सकती. क्यों? मेरे पति बीमार है. आई सी. तो इसलिए तुम नौकरी की तलाश कर रही हो. इंसान को हालात का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए. आई लाइक योर करेज. ऑपरेटर, पुट मी टू द मैनेजर. मिस्टर शर्मा, मैं एक लड़की को भेज रहा हूं, उसे डे शिफ्ट में चीफ स्टोर कीपर की जगह दे दीजिए और कुछ एडवांस भी. इज इट ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. यू मे गो नाउ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आज एक बहुत बड़ी पार्टी से बातचीत हुई है. दो एक रोज में एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेने वाला. मिस्टर कैलाश, जब से मैंने तुम्हें एंगेज किया है ऐसे ऑर्डर तो तुम रोज ही लाते रहते हो. आर यू श्योर दिस टाइम? श्योर सर, वेरी मच श्योर दिस टाइम. गुड. बाय द वे, ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? काम के लिए आई थी. गरीब लड़की है. गरीब? आपको मालूम है ये कौन है? कौन है? ये राय साहब रघु प्रसाद की बेटी है. राय साहब रघु प्रसाद की बेटी? बुखार कैसा है? पहले से कम है. कितनी खुशी की बात है शील कि तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया. कॉलेज? हाँ, मैं कॉलेज गई तो सही, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास था. शील, तुम आ गई, इनसे मिलो. मिस्टर कैलाश. नमस्ते. मिस्टर कैलाश, बड़े दिलचस्प आदमी है. अभी अभी मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं. और यह है मेरी मिसेस शील. दिन भर कॉलेज में पढ़ती हैं और बाकी वक्त मेरी देखभाल करती हैं. अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. इस वक्त भी शायद आप कॉलेज से आ रही हैं? जी. बस सच पूछो राजेश, हमें तो मियां बीवी का सच्चा प्यार देख के बहुत खुशी होती. अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं. ये रहा मेरा कार्ड, पास ही स्टेशन पे रहता हूं. ओके, बाय बाय. बाय. नमस्ते. राजेश, मेरा लाइटर तो नहीं बाहर है क्या? ओ शील, ये लाइटर जरा देखे ना. शुक्रिया. मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया है. प्लीज कैलाश, मैं कुछ ऐसी मजबूरियों में. मैं जानता हूँ. मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ. बेचारे के बाबूजी का भी देहांत हो गया है. सुनो, तुमने ये सब उन्हें तो नहीं बताया? नहीं तो. भगवान के लिए ऐसा कभी ना करना, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा. फिक्र मत करो. मैं कोई बच्चा थोड़ा ही हूं. Come in.
गुड मॉर्निंग मैम साहब, ये साहब के जूते का बिल 80 रुपए। एक जोड़ी जूते की कीमत 80 रुपए? नहीं मैम साहब, जूते की कीमत तो सिर्फ 30 रुपए है, लेकिन साहब का कद लंबा करने के लिए 50 रुपए का तो पैडिंग लगाने पड़ते। पैडिंग? जी। तो कद लंबा करने के लिए पैडिंग इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। कल तुम इसी वक्त आ जाना। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है मैम साहब। ओके। हेलो माय पुन्नू। हेलो। चॉकलेट फॉर यू। हाउ स्वीट। हां हां, आज तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। डार्लिंग, जब से तुमने कद लंबा किया है बिल्कुल हॉलीवुड स्टार रॉकर से लगते हो। ओ, चलता है चलता है। आई, मैं आपके पैर दबा। हां दबाओ दबाओ, हर हिंदुस्तानी स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। करो करो। नहीं, मैं आपके जूते भी उतार। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जूता पहनकर पांव दबाने की आदत है। लेकिन डार्लिंग, मुझे जूता उतार नहीं, 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 दबाने की आदत है। मुझे नहीं है, मुझे शर्म आती है। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? यू फ्रॉड। बहुत खूब। कद लंबे हो ना डार्लिंग। अरे सही। यस माय लव, मैं देख रही हूँ आपकी करतूत। छोटी सी हील है। यू छोटी सी हील, शर्म नहीं आती? इस तरीके धोखा देकर लड़की को फंसाते हो? सुनो, ये कोई शादी करने का तरीका था? मेरी बात सुनो। 4.5 फुटा वेडिंग गाउन रॉकर्सन बनना चाहते तो शक्ल देखो अपनी। आई वॉन्ट डाइवोर्स फ्रॉम यू। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एंड आई वॉन्ट टू लिसन टू यू। क्या बोल रही हो? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ तलाक, तलाक, तलाक। कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, अरे रे, ये तो सब गड़बड़ होगी, मेरी सारी फैमिली प्लानिंग खराब हो गई। अरे रे रे, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा अकेला? रोने गधे, देख के काम नहीं किया जाता, सारे माल का सत्यानाश कर दिया। भूल हो गई, भूल के बच्चे की नुकसान तेरा बाप भरेगा। जल्दी बाबूजी, बाबूजी सुनिए, बाबूजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बहू उषी। मेरी बच्ची, जब मेरे कोई औलाद नहीं है तो मेरी बहू कैसे हो सकती है? बाबूजी, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? बोलिए ना बाबूजी, बोलिए। मैं सच कह रहा हूँ मेरी बच्ची, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपकी कोई औलाद नहीं। मुझे कसम न दे मेरी बच्ची, मुझे कसम न दे, मैं क्या भूले कर तुम लोगों के सामने आता। ऐसे मत कहिए बाबूजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप जिंदा हैं। मैं तो समझी थी कि आप। अरे मौत भी किस्मत वालों को आती है मेरी बच्ची, मेरा तो मौत ने भी साथ न दिया, जंगल जलकर खाक हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, 4 महीने अस्पताल में पड़ा रहा, मुझे मौत न आई। जंगल का ठेका लेने के लिए जिनके पास मकान और जेवर गिरवी रखा था, बाहर आने पर मालूम हुआ कि वो भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अस्पताल गया अपने बच्चों के मिलने के लिए, वहां गया तो लोगों ने पागल भिखारी समझकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब बताओ मुझे कि ये कोई जिंदगी है कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। मैं आपको उनके पास ले चलूंगी। चल ले, चल चल जल्दी चल। इस हालत में मैंने तो उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं आपके लिए कल कपड़े लेके आऊंगी, फिर चलेंगे। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। चल, चला आजा। होनी ने जलगांव के ठेकेदार के साथ क्या खेल खेला है? मैं सोच रहा हूं कि तुझे मिलने से पहले मैं मर क्यों न गया। ऐसे मत कहिए बाबूजी, मैं जो हूं। मेरे होते हुए मेरी बहू काम करे, मुझे जिंदा रहने का क्या हक है, मैं मर क्यों ना गया बाबूजी। अरे हाँ बेटे, तू जा, राजेश तेरा इंतजार करता होगा। रे अच्छा बाबूजी। जी जी, आज मैं बड़ा खुश हूं,
बाबूजी। तुम आ गई बेटी। देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए वैसे ही कपड़े लाई हूँ जैसे कि आप पहनते थे। अरे हाँ, मगर बेटी ये कपड़े पहनने जरूरी है? पहन लीजिए ना। ये क्या है? ये मेरे तनख्वाह के रुपए हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये रुपए मुझे उनके सामने दें ताकि वो ये समझे कि आप ही उनकी देखभाल करते रहे हैं। ये झूठ है, मुझसे ये नाटक नहीं खेला जाएगा। बाबूजी, उनके खातिर हम दोनों की एक ही साधना है, उनका जीवन। हाँ, उसका जीवन। सुखी रहो मेरी बच्ची, भगवान करे हर घर में तुम जैसी बेटी पैदा हो। लादी मेरे कपड़े में तैयार हो जाओ। अच्छा चलिए ना, देखो तो कौन आए हैं। बाबूजी, ओए शेर दे पुत्रा, ओ चुप्पे, मेरे नाल गल नहीं करनी बच्चे। की हाल है बेटे तेरा? अच्छा हूं बाबूजी, बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई आपको। फुर्सत? बेटे, लकड़ी की मांग ज्यादा हो गई थी, कटाई देखने के लिए मुझे खुद जंगल जाना पड़ा। कितनी खुशी की बात है बाबूजी कि आप दिन रात दौलत बटोरने में लगे हुए हैं। रहा मैं, सो मैं जिंदा रहा तो क्या और मर गया तो क्या। ओए ऐसे गल्ला न कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कह। तू क्या समझता है कि दौलत मुझे उससे ज्यादा प्यारी है? अगर आपको दौलत मुझसे ज्यादा प्यारी न होती तो क्या आप मुझे इस तरह छोड़ जाते? आपको दौलत का नशा है बाबूजी, दौलत के सिवा आपको कुछ नहीं सोचता। यहां तक कि इस नशे में आप अपने अपाहिज बेटे को भी भूल गए। अरे बेटे, ये अपाहिज लफ्ज मत कह। तू नहीं जानता कि एक बेटे के मुंह से अपाहिज लफ्ज सुनकर उसके बाप पर क्या गुजरती है। मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे जान कि मुझ पर क्या बीती है? तू जिद करता है तो मैं बताऊं मुझ पर क्या बीती है। राजेश, मुझे तेरी आंखों की कसम है कि तू एक पल के लिए भी मेरे दिल से जुदा नहीं हुआ। इसीलिए बेटा अस्पताल में पड़ा है और बाप अपने आलीशान महल में मगन है। ठीक कहते हो मेरे बच्चे, जो बाप अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकता उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आपको क्या मालूम कि आपको न देखने से मेरे दिल पे क्या गुजरे? और तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हें न देखने से मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? काश मैं अपना कलेजा चीर के तुम्हें बता सकता, तुम्हें बताता कि मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं। मैं तुमको बाबूजी, वो करेंगे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटी, वो करिंदे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लो, ये रुपए खर्च के लिए। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। उठने की कोशिश करो। मैं कहता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो। आप चल खड़े हो। शाबाश शाबाश, कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। खड़े हो जा, खड़े हो। सीधा उधर से पकड़ना ठीक है। हाँ शाबाश, ये देखा। चल शाबाश।
गुड वेरी गुड। मैं अच्छा हो गया शील, मैं अच्छा हो गया, मुझसे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। टकराने की रात आई है, आज बाहों में सिमट जाने की रात आई है। हुस्न और इश्क के टकराने की रात आई है, आज बाहों में सिमट जाने की रात आई है। हुस्न और इश्क के जाने की रात आई है। हुस्न और इश्क के जाने की रात आई है, आज बाहों में सिमट जाने की रात आई है। हुस्न और इश्क के जाने के
हुस्न और इश्क के टकराने की रात आई है, आज बाहों में सिमट जाने की रात आई है, हुस्न और इश्क के। शील शील उठो, कॉलेज नहीं जाने का है? कॉलेज नहीं जाने का है? और फिर मुझे तुमसे भी जरा काम था। मुझसे? हाँ शी, तुम पर मेरा कुछ उधार बाकी। उधार? कैसा उधार? तुम तो जानती हो शी, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। इस गोडाउन में जितनी भी चीजें पड़ी है ना, इन सब की कीमत है। जहां तक कि तुम इस फैक्ट्री में काम करती हो, इसकी भी कीमत है। दुनिया में कोई काम मुफ्ती में नहीं मिलता। लेकिन तुम किस चीज की कीमत चाहते हो? तुम्हारे राज पर पड़ता डालने। कलील, निकल जाओ यहां से। सोच लो शी, अगर तुम ये नहीं चाहती कि राजेश को मालूम हो जाए कि जंगलात में आग लग जाने से उसके बाबूजी की मौत हो गई है और वो एक भिखारी बन के रह गया है, अगर तुम नहीं चाहती कि राजेश को पता चल जाए कि तुम कॉलेज जाने की बजाय फैक्ट्री में काम करके उसकी परवरिश कर रही हो, तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो? यही तो दुनिया का असूल है, लेकिन कथा में इसका किसी को पता नहीं चलता। अच्छे दिन तुम्हें याद है शी, मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि तुम मेरे सवाल किसी नहीं हो सकते। नहीं, छोड़ दो मुझे, किसी की बहू बेटी की इज्जत पर हमला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसकी हालत बहुत कमजोर है, काफी खून बह जाने से इसका दिल बहुत कमजोर हो गया है। कोई इसकी देखभाल करने वाला है? जी, मैं इनकी देखभाल करूंगी। तुम? हाँ, मैं इनकी मैं इनकी बहू हूँ। जहाँ लड़कियां रात के 10-10 बजे तक पढ़ती रहती, कोई फंक्शन वगैरह होगा। तुम कितने भोले हो राजेश, कोई दिन दहाड़े तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है और तुम्हें होश तक नहीं। कौन धूल झोंक रहा है मेरी आंखों में? तुम्हारी बीवी। इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूरी यह है कि तुम मेरे दोस्त हो। दोस्ती का मतलब यह है कि तुम मेरी बीवी के बारे में? मेरी बीवी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। क्या जानते हो? खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी कहा तुमने। तुम क्या जानो उसे, वो तो देवी का एक रूप है। पहले मैं भी उसे देवी ही समझता था। शायद तुम्हें मालूम नहीं राजेश, तुमसे पहले शील की शादी मुझसे होने वाली थी। क्या?
लेकिन उसकी इन्हीं करतूतों की वजह से मैंने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये तुम खुद अपनी बीवी से पूछ सकते हो, और हाँ, अगर सबूत इसी वक्त चाहिए तो अच्छे दिनों की याददाश्त ये तस्वीर है मेरे पास। तुम समझदार और पढ़े लिखे आदमी हो, जरा सोचो, क्या कोई हसीन नौजवान खूबसूरत लड़की ऐसे आदमी से शादी करती जो अपाहिज और बेकार हो? हरगिज़ नहीं। दरअसल उसने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम घर की चार दीवारी में पड़े रहो और वह आसानी से अपने दोस्तों के साथ कुल छले उठा सके। तुम समझते हो वो कॉलेज जाती है? नहीं, वो कॉलेज का बहाना करके ये दिन नित नए दोस्तों की महफिल में गुजारती है, और आज भी फंक्शन का ये नया बहाना है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कॉलेज में टेलीफोन करके पूछ लो ताकि तुम्हें मेरी दोस्ती पर पार आ जाए। आओ चलो। मैं जाओ बेटी, अब बहुत रात हो गई, अब आप आराम कीजिए। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। कॉलेज का फंक्शन खत्म हो गया। कैसा था फंक्शन? तुम अभी तक सोए नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कौन से कॉलेज में फंक्शन था? जीटीआई कॉलेज में कोई फंक्शन नहीं था, और न तुम उस कॉलेज में पढ़ती हो। इतना बड़ा झूठ कैसे बोला तुमने? बताओ, कॉलेज का बहाना करके कहां जाती रही तुम? राजेश, मैं तो कैलाश को जानती हो तुम। तुम्हारी उससे सगाई होने वाली थी ना, बोलती क्यों नहीं? जब पहले दिन कैलाश से मैंने तुम्हें मिलाया, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारे दिल में खोट थी, तुम्हारे उससे ताल्लुकात थे, और तुम अपने सिया करतूतों पर पर्दा डालना चाहती थी। नहीं राजेश, मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं थे। थे, कहो, भगवान के सौगंध खाकर कहो कि तुम्हारे उससे ताल्लुकात नहीं थे। मैं भगवान से भी बड़ी सौगंध खा के कहती हूँ, तुम्हारी सौगंध, मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं थे। तो फिर ये तस्वीर किसकी? एक झूठ छुपाने के लिए हजार झूठ बोल रही हो तुम। तुमने मुझ जैसे अपाहिज आदमी से शादी इसलिए की ताकि मैं इस चार दीवारी में पड़ा रहूं, और कॉलेज का बहाना करके हर रोज तुम अपने नए दोस्तों के साथ मनमानी करती रहो, गुलशन उड़ाती रहो। मेरी बात तो सुनो। इससे ज्यादा सुनने की जरूरत क्या है? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, तुम्हें मालूम नहीं मैंने तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे समझने की मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे जिस्म से पाप की बुआ रही है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ राजेश, छोड़ दो मुझे। तुम झूठी हो, मक्कार हो, आवारा हो, बच्चलन हो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे सूरत से नफरत है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ, मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ, आवारा हूँ, बच्चलन हूँ, बच्चलन। तुमने मुझ जैसे अपाहिज आदमी से शादी इसलिए की ताकि मैं इस चार दीवारी में पड़ा रहूं, और कॉलेज का बहाना करके हर रोज तुम अपने नए दोस्तों के साथ मनमानी करती रहो, गुलशन उड़ाती रहो। छोटे भाई को भी छोड़ दिया,
उसी ने आज मुझे बच्चन और आवारा समझ कर चुकरा दिया। हौसला नहीं हारा करते बेटे, जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, इंसान का फर्ज है कि उनका मुकाबला करे। हार मानने का नाम जिंदगी नहीं बेटे। समझाना बड़ा आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। डॉक्टर साहब, आप एक कामयाब इंसान है जिन्हें भगवान ने दौलत शौहरत इज्जत क्या कुछ नहीं दिया। आप क्या जाने कि दुख किसे कहते हैं जो मुझ पे बीती है, भगवान न करे किसी पे बीती है। ठीक कहती है बेटा, समझाना बहुत आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। लेकिन शी, तुम में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि तुमने हार मान ली और मैंने हार नहीं मानी। तुमने जो खोया है उसे पा भी सकती हो लेकिन जो मैंने खोया है वो किसी कीमत में भी नहीं पा सकता। ये देखो, पांच साल की उम्र में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे मां बाप भाई बहन सब मारे गए। मैं जख्मी हो गया, अस्पताल लाया गया और मेरी टांग काट दी गई। उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी से मायूस हो चुका था। मेरे में भी वही ख्याल आते थे जो आज तुम्हारे दिल में है। एक यतीम और अपाहिज लड़के के लिए मौत के सिवा कोई सहारा नहीं था। जिंदगी के उन्हीं अंधेरों में मैंने एक बहरे इंसान की कहानी पढ़ी जो बहरा होने के बावजूद दुनिया का एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बना। हेलेन केलर के हालात पढ़े जो अंधी गूंगी बहरी होने के बावजूद दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत बनी। इसके अलावा शिवाजी, रानी झांसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों के हालात से मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी हार मानने का नाम नहीं। लिहाजा मैंने दिन रात मेहनत की, तालीम पाई, स्कॉलरशिप हासिल किए और सर्जरी की तालीम के लिए इंग्लैंड भेजा गया। और आज वही यतीम और अपाहिज तुम्हारे सामने खड़ा जिसे तुम एक कामयाब इंसान कहते हो। शी, शी, दुख तो जिंदगी का एक हिस्सा है, एक कसौटी है जो इस पे पूरा उतरता है कामयाबी उसके पांव चूमती है। अगर अब भी तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। I'm sorry, डॉक्टर साहब। शाबाश बेटा, आओ मेरे साथ, मैं राजेश से बात करता हूं। मैं डॉक्टर टेंडन बोल रहा हूं, आप जल्दी से यहां आ जाइए। हरिराम, शील तो नहीं आई थी यहां? नहीं बाबूजी, शील तो नहीं आई थी, राजेश आया था। राजेश? हाँ जी, मैंने उसे सब समझा दिया। राजेश कहां है? अभी तक उस बेवकूफ का ख्याल तुम्हारे दिल से नहीं गया? याद है एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हारा कुछ उधार बाकी है। हाउ स्वीट ऑफ यू, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे यकीन है तुमने मेरे खिलाफ राजेश को भड़काया है। मेरा दिल कहता है कि राजेश का एक्सीडेंट भी तुमने किया है, बाबूजी के जंगलात में आग भी तुमने लगाई है। तुम लोग औरत को कमजोर समझते हो लेकिन भूलते हो वो अपनी आई पे आ जाए तो शेरनी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या कर रही हो शी, पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुमने मुझे बदनाम किया है, तुमने एक शरीफ बहू बेटी की इज्जत को उछाला है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी वरना तुम्हें राजेश को बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने राजेश को बहकाया है? ये तस्वीर। अगर मैं मान भी लूं राजेश को मैंने बहकाया, जंगलात में आग मैंने लगाई, राजेश का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? नीच कमीने!
राजेश को मैंने भड़काया, लेकिन अब तुम उसे कभी नहीं बता सकोगी, कभी नहीं। कैलाश, यू रस्कल! बाबूजी, ये है उस नालायक कैलाश का घर। शील, बाबूजी कुछ कीजिए ना। अरे ठहरो, जानती नहीं हो किसका बेटा है? अपना बदला खुद ले। ये रहा वो कबूतर, दबोच लीजिए इसे। आप कब आए हैं बाबूजी? मैं तो यहीं था मेरे बच्चे, तुझे याद है तूने एक दिन हॉस्पिटल में मुझे कहा था मुझे दौलत का नशा हो गया है। उस वक्त मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मगर आज कहता हूं कि तू जिसे जलगांव का बड़ा ठेकेदार समझता है वो एक भिखारी के सिवा कुछ नहीं है। शील, अगर ये कॉलेज के बहाने फैक्ट्री में काम न करती तो ना आज तू जिंदा होता और ना मैं। शील, मुझे माफ कर दो। शील बेटी, बेटी, डॉक्टर टंडन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मेरी जिद और घमंड के कारण तुमने क्या क्या दुख नहीं उठाया, लेकिन बेटी मुझे खुशी भी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मां के आदर्शों का पालन किया। बेटी, हर आदमी को अपने कर्मों का फल इसी दिन में मिल जाता है। वो देखो कैलाश, जिसे एक दिन मैं अपना दामाद बनाना चाहता था, आज उसके हाथों में हथकड़ी है। और मुझे देखो बेटी, मैं अपनी जिद की वजह से कितना शर्मिंदा हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। शीर, शीर, दीदी, शीर, दीदी, दीदी, शीर, कैसे तू? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी। राजेश, यहाँ आओ। आज तो हमारे साथ घर चलो। और द्वारकानाथ, तुम भी मेरे साथ घर चलो, आज आखिरी फैसला होगा। हर रोज आखिरी फैसला कीजिए ना। आखिरी फैसले के लिए ही तो कह रहा हूँ कि घर चलो मेरे साथ। चलो ठहरो। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ तुम्हें फॉर्मूला नंबर 1966 की लॉ फॉर्मूला है। ना ये जमीन थी, ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा